प्रिय दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने समास चैप्टर बताया था, तो आज समास से ही मैं एक ट्रिक यहां पर लेकर के आया हूं। और ट्रिक है कि पद प्रधानता ज्ञात करना। जैसा कि आप जानते हैं कि पद हमारे जो होते हैं समास में, वो दो होते हैं, एक प्रथम पद और एक उत्तर पद। तो देखिए, मैं बताता हूं कि 6 के 6 जो समास होते हैं उनकी पद प्रधानता कैसे जाने, क्योंकि एग्जाम में बहुत आवश्यक है। देखिए, मैं कहता हूं द्वि कर्म पुरुष उत्तर में रहता है, तो द्वि से मतलब हमारा हो जाता है द्विंगु, कर्म से हमारा मतलब हो जाता है कर्मधारय, और पुरुष से मतलब हो जाता है हमारा तत्पुरुष। ठीक है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो हमारे तीन जो ये हैं, द्विंगु, कर्मधारय और तत्पुरुष, इनका क्या प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। आप आसानी से समझ गए होंगे, द्वि कर्म करने वाला पुरुष उत्तर में रहता है। अब इसके बाद नंबर 4 पर चलते हैं। आप जानते हैं कि बहुव्रीहि में प्रथम पद और द्वितीय उत्तर पद का लोप हो जाता है, और उसके तुरंत बाद एक नया शब्द, नया पद हमारे सामने आ जाता है। तो इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं रही, प्रथम पद की और उत्तर पद की, इसलिए हमें लिखना होगा कोई पद प्रधान नहीं। इसमें क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं। यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो कोई पद प्रधान नहीं। इसी प्रकार अव्यय भाव में, चूंकि अव्यय की प्रधानता होती है, तो अव्यय के बगैर उसे नहीं बना सकते हम, तो प्रथम पद प्रधान होता है। अव्यय भाव में कौन सा होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में एक दूसरे के बगैर हम किसी की कल्पना नहीं कर सकते, मां बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, इसलिए इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि सभी के सभी 6 जो हमारे समास हैं उनमें जो प्रधानता होती है, पद प्रधानता, वो कौन कौन सी होती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं आपको ये ट्रिक अच्छे से समझाने में कामयाब रहा हूं। और यदि आपको ये पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं पुनः आगे मिलूंगा आपसे। धन्यवाद।